हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सर्कल अरेंजमेंट देखेंगे और एक बॉक्स स्पेस्ड अरेंजमेंट को देखेंगे। और ये जो दोनों ही क्वेश्चन है ये मैंने आईबीपीएस पीओ का जो फ्री मॉक है प्रैक्टिस मॉक का वहाँ से लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इन क्वेश्चन को भी देखें कि आपने कितना समय लगाया और फिर जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना समय लगेगा। ठीक, अप्रोच जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए दूसरे की, तो वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर है आपका पूरा क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यहाँ से फिर मैं इस क्वेश्चन को बताना मूव कर शुरू करती हूँ। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 10 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई केप्ड वन अबव द अदर। तो यहाँ पे आपके जो 10 बॉक्स हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 10। आपका बॉटम मोस्ट जो है वो नंबर 1 है और टॉप मोस्ट 10 है, तो आप लिख सकते हो इसको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक, ओके। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं W इज 3 बॉक्स अबव टी। अब देखो गिवन है W इज 3 बॉक्स अबव टी, सो कितने का गैप देंगे आप? 2 का गैप देंगे, राइट? 3 का गैप नहीं देंगे, 3 बॉक्स अबव मतलब 2 का गैप, तीसरी नंबर पे है, राइट? तो अभी देखो सर पॉसिबिलिटी रहेगी ना, तो अभी आप रुकेंगे। फिर आगे कह रहे हैं देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन W एंड U, सो W एंड U में आपके 2 बॉक्स का गैप रहेगा। देन देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में आपका 1 बॉक्स का गैप रहेगा। R इज नॉट एन ऑड नंबर, तो R एक ऑड नंबर नहीं है, तो R क्या होगा फिर? आपका एक इवन नंबर होगा। देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन U एंड R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन W एंड S, तो U और R के बीच में जितने बॉक्सेस आएंगे उतने ही सेम आपके W और S के बीच में आएंगे। फिर नेदर Q नॉर S द बॉटम मोस्ट, तो यहाँ पर आपका जो Q और S है वो नंबर 1 पे नहीं आएगा, राइट? फिर कह रहे हैं V इज इमीजिएटली अबव Q, सो V जो है वो इमीजिएटली अबव है किससे? Q से। एंड Y इज 3 बॉक्स बिलो X, X के 3 बॉक्स बिलो, यानी कि आपका 2 का गैप करके यहाँ पे Y आएगा। ठीक, तो इन्होंने ये कहा है, तो देखते हैं फिर कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली W एंड T से करेंगे, है ना? तो W एंड T में आपका देखो 2 का गैप है, राइट? और फिर W एंड U में भी 2 का गैप है, यानी कि आपका जो T और U है इनमें से कोई एक ऊपर और कोई एक नीचे रहेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो आपको फिक्स है कि W ऊपर रहेगा, T नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पे U ऊपर रहेगा, 2 का गैप करके W आएगा, फिर 2 का गैप करके क्या आएगा? आपका T आएगा, राइट? तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे फिक्स करोगे तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी U को अगर 10 पे रखते हो तो 1, 2 का गैप करके W यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप करके आपका T यहाँ पे, राइट? देन इसके अलावा अगर U यहाँ लिखते हो तो W यहाँ पर और T यहाँ पर, ठीक? फिर इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी में यही बना देते, चलो ठीक है यही बना लेते हैं। U यहाँ पर तो W यहाँ पे और T यहाँ पे, देन U यहाँ पे तो W यहाँ पर और T यहाँ पे, राइट? इसको आप हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे, राइट? तो ये पॉइंट को अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे पॉइंट को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि T और R में एक का गैप आएगा, लेकिन R को क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, है ना? तो अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आपका R जो है वो यहाँ भी आ सकता है और R यहाँ भी आ सकता है, दोनों तरफ R आ सकता है। इस कंडीशन में देखोगे तो एक गैप ऊपर और एक गैप नीचे, दोनों ही कंडीशन में आपका R कैसे जा रहा है? R आपका यहाँ पे ऑड पर आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी, है ना? तो इसको आप हटा दो। इस कंडीशन में देखोगे तो R यहां पर आ जाएगा, है ना? और इस कंडीशन में देखोगे तो R जो है वो यहां पर आएगा, जबकि ये किसको मिलेगा? एक ऑड को मिलेगा, जबकि आपको देना कैसा है? इवन को देना है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा, राइट? इसकी आप चाहे तो दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने के लिए इन दो पॉसिबिलिटीज को बना देती हूं, ओके? फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं U और R में जितना गैप है उतना ही W और S में है, राइट? तो U आपका फिक्स है, R फिक्स है, तो आप W के संग S को फिक्स कर सकते हो। तो U और R में कितने का गैप है? 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन का गैप है, तो डब्ल्यू और एस में क्या आप सेवन का गैप दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू खुद सेवन पर बैठा है, उसके नीचे छह बॉक्सेज हैं, ऊपर खाली तीन बॉक्सेज हैं, तो यानी कि ये कट हो जाएगी पॉसिबिलिटी। इसमें देखोगे तो यू एंड आर में कितने का गैप है, वन टू थ्री का गैप है, यानी कि आर और एस में भी तीन का गैप होगा। सो वन टू थ्री का गैप करके एस यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो यू और आर में कितने का गैप है, वन टू थ्री, यानी कि डब्ल्यू और एस में तीन का गैप होगा। सो वन टू थ्री का गैप करके आपका एस यहां आ सकता है, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे मना है कि वन को एस नहीं दिया जाएगा, राइट? सो वन को एस नहीं दिया जाएगा, तो यहां पर आप इस एस को हटा देंगे और यहां पर डब्ल्यू और एस में तीन का गैप आप ऊपर की ओर देंगे, वन टू एंड थ्री, एस आ जाएगा यहां पे, राइट? फिर आगे कह रहे हैं एक्स एक दो का गैप करके वाई आएगा, तो अगर x यहाँ लिखते हो 9 पर तो 1 एंड 2 का गैप करके y यहाँ नहीं आ सकता, x यहाँ लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके y यहाँ पर आ सकता है, ठीक? इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? अगर x यहाँ पे लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके y यहाँ नहीं आ सकता, है ना? तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बना देंगे कि जस्ट अ सेकेंड, अगर आप x यहाँ लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके, एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है छोटी सी, एक्चुअली वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कि U और R में 1, 2, 3 का गैप है, सो W और S में 3 का गैप होना चाहिए ना, तो 1, 2, 3 का गैप करके S यहाँ पर आएगा, ठीक? मैं एक नीचे लग गई, ओके? तो देखो x अगर यहाँ लिखते हो तो 1, 2 का गैप करके y यहाँ आ सकता है, और x अगर यहाँ लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके y यहाँ भी आ सकता है, ओके? अभी दो पॉसिबिलिटी है इसमें, आप देखोगे तो x यहाँ लिखते हो तो y यहाँ पर आ सकता है, x यहाँ लिखते हो तो y यहाँ पर आ सकता है, राइट? फिर इसके अलावा कह रहे हैं v के जस्ट नीचे q आएगा, सो v के जस्ट नीचे q आएगा, सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना चाहिए। तो अभी आप y और x को हटा दो, ठीक है? यहाँ पर अभी आप y और x को हटा दोगे। अब आप वी एंड क्यू को फिक्स करो, क्योंकि वी एंड क्यू को फिक्स करने के लिए आपको दो लगातार खाली जगह चाहिए, तो वी यहाँ पे और क्यू यहाँ पर आ सकता है। इस कंडीशन में वी यहाँ पर और क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक? अब आप वाई और एक्स को फिक्स करो, तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स यहाँ आता है तो वन एंड टू का गैप करके आप वाई नहीं लिख सकते, एक्स यहाँ आता है तब आप वन और टू का गैप करके वाई नहीं लिख सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आप एक्स को यहाँ पे और वाई को यहाँ पे लिख सकते हो, और लास्ट आपका पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये इसका एक फेयर डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं। गिवन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बॉटम मोस्ट बॉक्स, बॉटम मोस्ट पे कौन है, तो पी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी बॉक्सेज आर बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, वन टू थ्री फोर, कितने बॉक्सेज हैं, फोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, यहाँ पे आपका एक ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो वी हो गया, एक्स हो गया, फिर पी हो गया, एस हो गया, एंड देन आपका यहाँ पे वाई गिवन है, तो वन थ्री फाइव और नाइन, तो यहाँ पर आपका जो y है वो इवन पर आ रहा है, तो आपका यही ऑड है। t के इमीडिएटली अब कौन है, सो x है, फोर बॉक्स बिलो v, v के फोर बॉक्स बिलो, वन टू थ्री एंड फोर, x, ठीक। ब्लड रिलेशन को देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर सेवन मेंबर्स ए सी के आर एस टी एंड यू इन अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स टू मैरिड कपल्स, ठीक। टी इज डॉटर ऑफ के, सो टी इज डॉटर ऑफ के, आर इज डॉटर ऑफ ए हु इज मेल मेंबर, सो आर इज द डॉटर ऑफ ए एंड ए जो है वो एक मेल मेंबर है। देन एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, तो एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है आर की, यानी कि आर का फिर यहाँ पे क्या होगा, या तो हस्बैंड होंगे, ठीक, आर के या तो हस्बैंड होंगे और उनकी सिस्टर एस होगी, या फिर आर का जो भाई है उसकी वाइफ एस होगी, ठीक। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, तो उसको लिख लो कि एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, आर की, ओके। देन देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसकी वाइफ दिखाएंगे और यहाँ पर इसका भी एक पेयर दिखाएंगे, ठीक, मतलब इसका एक स्पाउस दिखाएंगे। देन यू इज द डॉटर ऑफ एस, यू जो है वो डॉटर है एस की, हु इज मैरिड टू के, जो कि मैरिड है के से, तो एस जो है वो मैरिड है किससे, के से, और यू जो है वो डॉटर है एस की, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद ये भी कहा गया है कि S इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, R की सिस्टर इन लॉ जो है वो S है, यानी कि ये फीमेल है, ये मेल होगा, तो S जो है वो सिस्टर इन लॉ R की कैसे बन सकती है, कि जब आप R को यहाँ पे क्या दिखा दो, K का, K की सिस्टर दिखा दो, ठीक। तो आपका K की सिस्टर R को दिखा दोगे और ऊपर आप यहाँ पे A को लिख दोगे,
ठीक, और उसकी वाइफ को यहाँ पे दिखा दोगे, तो जो भी आपका रिमेनिंग बचेगा वो उसकी वाइफ होगी। यहाँ पर कौन वाइफ होगी इसकी? ए सी के आर एस, ओ ए सी होगी। ठीक, तो सी इसकी वाइफ हो जाएगी, एंड यू जो है वो डॉटर है, तो यू को आप डॉटर दिखा देंगे। ठीक, सो इट्स वेरी इजी। आई थिंक 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था ये। हाउ इज सी रिलेटेड टू एस? सी कैसे रिलेटेड है एस से? सो सी जो है वो कौन है? मदर, मदर इन लॉ। ठीक, टी कैसे रिलेटेड है आर से, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड मूव करते हैं यहाँ पर आपका सर्कल अरेंजमेंट, जिसमें आपके 7 पर्सन है, ध्यान रखिएगा 7 व्यक्ति। ठीक है, तो इस समय इसका जो डायग्राम बनाते हो उसमें ध्यान रखा करो। कई बार आपका 7 पर्सन होता है लेकिन आपकी आदत क्या पड़ी होती है, फटाफट 8 बनाने की, या फिर आप उसी में फिक्स करते रह जाते हैं, फिक्स होता ही नहीं है ना, तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। 7 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक, तो 7 का बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 7 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर वाइल अदर फेसेस आउटसाइड। सी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन। ठीक, सी जो है वो सेकेंड टू द राइट है ई के, तो ई अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, और ई जो है वो आपका आउटसाइड फेस कर रहा है तो सी यहाँ पर आएगा। राइट, देन आगे कह रहे हैं जी सिट्स बिसाइड सी एंड फेसेस आउटसाइड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जी जो है वो सी के पास है, और कैसा फेस कर रहा है? आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जी जो है वो यहाँ पर आ सकता है, फिर एक कंडीशन में आपका जो जी है वो कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है। ठीक, देन इसके अलावा आपका जो जी है वो यहाँ आ सकता है, और जी जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक, और ये सारी कंडीशन में आउटसाइड फेस कर रहा है क्योंकि इसका मेंशन है, तो आप इसे आउटसाइड फेस करा देंगे। फिर कह रहे हैं बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द जी। बी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है जी के, सो 1 2 3 बी यहाँ पर इस कंडीशन में, 1 2 3 बी यहाँ पर इस कंडीशन में, 1 2 3 बी यहाँ पर और इस कंडीशन में, 1 2 3 बी आपका फिक्स नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन यहाँ पे कट हो जाएगी। ओके, देन एफ इज द नेबर ऑफ ए बट नेदर ऑफ देम सिट्स बिसाइड सी। तो एफ जो है वो क्या है? नेबर है किसका? ए का, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सी के आसपास नहीं बैठेगा। तो आप देखोगे इस कंडीशन में एफ और ए यहाँ आ सकता है, एफ और ए यहाँ आ सकता है। राइट, इस कंडीशन में आप देखोगे एफ और ए को जब साथ साथ जगह चाहिए तो साथ साथ जगह यहाँ पे कहाँ मिल रही है? सी के एडजेसेंट ही मिल रही है, तो इसलिए ये कंडीशन आपकी कट हो जाएगी। इस कंडीशन में आपका एफ और ए जो है वो यहाँ पर फिक्स हो सकता है। ठीक, देन डी फेसेज आउटसाइड। डी जो है वो आउटसाइड फेस करेगा, तो डी के लिए जगह फिक्स हो गई, इसे आउटसाइड फेस करा दोगे। फिर नेदर डी नॉर ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जी के सेकेंड टू दी लेफ्ट में ना तो आपका डी आएगा ना ही ए आएगा, तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि डी के यहाँ पे, आई एम सॉरी, जी के सेकेंड टू दी लेफ्ट में 1 एंड 2 यहाँ पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, इसलिए ये कट हो जाएगी। और इस कंडीशन में आप देखो ये इसकी राइट में आ रहा है, और लेफ्ट में जो आपकी पॉसिबिलिटी है एफ और ए की, उसमें से आप क्या करोगे? सेकेंड टू दी लेफ्ट में ए नहीं आ सकता, तो फिर आप यहाँ पे एफ को बैठा दोगे और ए को इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा दोगे। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं एफ एंड ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई। एफ और ए जो है वो ई के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर ई इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये दोनों भी कैसे देखेंगे? इनसाइड देखेंगे, और आई थिंक बी का यहाँ पे फेस नहीं पता चला है कि ये इनसाइड देखेगा या फिर आउटसाइड देखेगा, तो इसकी कंडीशन ऐसी ही बनी रहेगी। वैसे अगर आपका कोई ऐसी लाइन दी होती कि आपके 3 पर्सन जो है वो साउथ है, वो सॉरी 3 पर्सन जो है वो आउटसाइड है, 4 पर्सन इनसाइड है, तो उससे पता चल जाता, या फिर कोई इमीडिएट नेबर वाली दी होती उससे पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमारा बी का फेस के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक, तो आंसर आपका पेपर में भी इस टाइप का आता है, जिसमें कई बार आपको ऐसे अरेंजमेंट में भी पता नहीं होता कि किस साइड फेस कर रहा है, और लीनियर वाला जो होता है उसमें भी कई बार पता नहीं चलता कि ये साउथ फेस कर रहा है या नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना पेपर में रहती है, और पीओ में ज़्यादा रहती है। ओके, एंड यहाँ पे जो सी है, सी की भी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है बनाई नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सी जो है वो भी इनसाइड आएगा। ठीक, तो ये रह गई है बनाना, वैसे सी की डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं।
हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड टू द राइट में कौन है? अब बी के बारे में पता तो है ही नहीं कि इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आपका ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, तो या तो इधर ए और डी आंसर होता है या फिर आपका होगा यहाँ पे सी एंड डी. देन नेक्स्ट इज हु सिट्स फोर टू द राइट ऑफ ए, ए की फोर टू द राइट में कौन है? सो 1 2 3 4 डी. देन वट इज द पोजिशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, एफ की पोजिशन क्या है ई की रिस्पेक्ट में? तो 1 2 3 4 5, या तो फिफ्थ टू द राइट होगा या 1 एंड 2 सेकेंड टू द लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट गिविन है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. देन कौन सा ग्रुप है जो मतलब ऑड वन आउट यहाँ पे फाइंड करना है, कौन सा एक ग्रुप है जो ये बाकी चार से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको बताना है. तो आप बताइए इसे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा पेयर है जो इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो ये लॉजिक फाइंड करो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी इफ काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जी की राइट से अगर आप काउंट करते हो तो एफ और जी के बीच में आपको कितने पर्सन है? खाली एक ही है ना, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. ओके, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले. एंड यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट को मैंने ऐड करा है, प्लस आपकी जो सीरीज चल रही है आईबीपीएस पीओ की उसको रेगुलर फॉलो करें. अगर आप उसे रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे.